क्या कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा हो जैसे पुलिस तुम पर विश्वास नहीं कर रही? और डिटेक्टिव ने मुझे कहा कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की तो वो रेप नहीं हुआ। If you continue to lie to me, this is about to go sour. I do not believe you. I do not believe you at all. It is a crime to file that false report. मेरा बलात्कार हुआ है और उन्हें लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं इस कहानी पर 4 साल से काम कर रही हूँ और अब तक मुझे लगभग 200 केसेस मिल चुके हैं जहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को ही सस्पेक्ट बना दिया गया। Filing a false report is a class A misdemeanor punishable up to 1 year in jail. उसमें लड़कियों ने गुनाह कबूल किया और इसमें सोचने लायक ज्यादा तो कुछ नहीं था, इसलिए जब मैंने उनसे बात की तो वो दोनों अपनी बात पर अड़ी रही कि उनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। Was it wanted? Was it consensual? No. From the investigation, you're not being honest with me, okay? Well, what I just told you? Yes. And I think you're one of those people that's taken away from my true victims. जैसे ही आप डिटेल्स देखने लगते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे रिपोर्ट लिखाने वाला विक्टिम सस्पेक्ट बन जाता है। जिसे ऐसी रणनीति सिखाई है जो कन्फेशन बुलवाने के लिए डिजाइन की गई है। वो कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ जबकि वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था। पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये एक जरूरी रणनीति होती है कि वो पीड़ित को मुकरने पर मजबूर करे क्योंकि उन्होंने खुद ही जांच अच्छे से नहीं की होती है। तो समाज में मौजूद हर सेक्सुअली असॉल्टेड विक्टिम को ये संदेश देते हैं कि अगर तुम पर पुलिस भरोसा नहीं करती तो वो तुम पर ही इल्जाम लगाएगी। एक बार जब तुम्हारा नाम प्रेस में आ जाता है तो सबको पता चल जाता है, जिसे मिटा नहीं सकते। तो अब तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं हो सकती, कोई आइडिया नहीं होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये लोगों का एक समूह है जो ये सब होने देता है। मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। कई बार जो करना चाहिए वो आसान नहीं होता है, समझ रही हैं? कहते हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होता है।